श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा काशी वाराणसी में वाची जा रही ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा के छठवें दिन की कथा में गुरुजी ने काफी अच्छा उपाय बताया है। यह उपाय हम आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान में करना है। 7 बार और 3 बार जल अर्पित करने वाला उपाय है। काफी विशेष तरीके से उपाय करना है। हम आपको वीडियो में यह उपाय करके भी दिखा रहे हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि यह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। उपाय काफी आसान है। अब यह उपाय कब करना है गुरुजी ने यह तो नहीं बताया है, पर अब यह उपाय बीमारी से संबंधित है तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। और अगर आप यह उपाय सोमवार प्रदोष मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफी अच्छी बात है। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि हम कभी भी नहीं कहते हैं कि डॉक्टर के पास मत जाओ। इस व्यास पीठ से गुरुजी ने कभी भी नहीं कहा है कि आप डॉक्टर का इलाज ना लें। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप इलाज भी लें और साथ में उपाय भी करें, क्योंकि हमें भगवान पे भी भरोसा रखना है। गुरुजी ने बताया यह उपाय किन्हें करना है। कोई बड़ी बीमारी हो गई हो जिसकी आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हो, या फिर कोई ऐसा बीमारी हो जैसे कि घुटने का ऑपरेशन होने वाला हो, कमर दर्द हो, कमर का दर्द का ऑपरेशन होने वाला हो, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी जिसका आपका ऑपरेशन होने वाला हो, तो यह उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है। बेलपत्र कैसे अर्पित करना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, या फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती आप देख सकते हैं वह शिवलिंग की ओर हो। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करें और साथ में एक कलश जल ले जाएं, और इस जल को आप बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं जल कहां पर आपको अर्पित करना है। जल आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में अर्पित करना है और यह जल आपको 7 बार करके करना है। अब एक कलश में जल है उसका 7 बार आपको यहाँ छोड़ना है। 7 बार छोड़ना है जल, कितनी भी मात्रा में आप छोड़ सकते हैं, पर पूरा जल मत छोड़िएगा, 3 बार का जल बचा के रखिएगा। 7 बार एक एक करके जल अर्पित कीजिए। कुंद के ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल अर्पित कीजिए। इसके बाद बचे हुए जल को शिवलिंग के ऊपर 3 बार में पूरा अर्पित कर दीजिए। जितना भी जल बचा है इसको 3 बार में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जलाधारी से जो नीचे जल आ रहा है उस जल को प्राप्त कर लीजिए। कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, महादेव से विनय करते हुए, अपनी बीमारी का भान करते हुए औषधि रूप में वह जल प्राप्त कर लीजिए। इस प्राप्त किए हुए जल को आपको प्रतिदिन, जैसे आप जल अर्पित करेंगे तो एक दिन में 3 बार आचमन करना है, तो 3 बार आप कभी भी आचमन कर सकते हैं। 2-2, 3-3 घंटे के अंतराल में आचमन कर लीजिए। इस उपाय में बस आपको इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है 15 दिन तक यह उपाय आप करके देखिए, इसके बाद डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाइए, चेकअप करवाइए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ यह उपाय आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और वीडियो उपयोगी लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।